कथा सुनने वालों का ध्यान दूसरे तरफ करेंगे तो मैं कथा बोल नहीं पाऊंगा। जो पहले से आए हैं उनका प्रथम अधिकार है ना, वे सुखपूर्वक बैठेंगे। जो पीछे से आ रहे हैं वो जहां जगह मिलेगा वहां बैठेंगे। अब कीर्तन प्रारंभ किया जाए। मेरे को बैठने दो। जब भगवान को अपने घर में देखे और उनके मन में विचार आया, भगवान अपने वचन की रक्षा की, जैसा कहे थे वैसा कह दिए, कर दिए। तो कह रहे हैं कि कह पंडितस्तद परम शरणम समीया, कौन ऐसा पंडित है जो त्वद अपरम आपको छोड़ करके दूसरे के शरण में जाएगा। भक्त प्रिया ऋतगिर सुहृद कृतज्ञ, कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि ऋतगिर आप सत्यवादी हैं, आपका वचन कभी झूठा नहीं होता और भक्त आपको बहुत प्रिय है, या भक्तों को आप बहुत प्रिय हैं। भक्त प्रिया ऋतगिर सुहृद कृतज्ञ, और आप किसी के भावना को समझते हैं, किसी के कार्य को, सेवा को आप समझते हैं, और शहीद आप परम हितैषी हैं। और इसी उसी क्रम में कह रहे हैं कि सर्वान ददात शहीद भजता भी भजतो भी कामा, जो व्यक्ति प्रेम से आपका भजन करता है तो सर्वान ददाती, उसके सारे मनोरथ को आप पूर्ण करते हैं। सर्वान ददात भजत सुहृदो भी काम आत्मानम अपि, उसके सारे मनोरथ को तो पूर्ण करते ही है, अपने को भी प्रदान कर देते हैं। अरे सारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे तो उनका स्टॉक ही खत्म हो जाएगा, या अपने को एक व्यक्ति को दे देंगे तो दूसरे को कैसे देंगे। तो कह रहे हैं कि उपचया पचयो न जस्य, आप में वृद्धि और ह्रास नहीं है। वो कह रहे हैं कि सर्वान ददाति भजतो भी कामा, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसके सारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं और अपने को भी दे देते हैं। तो यहाँ कश्यप जी उपदेश दे रहे हैं कि उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम, तुम भगवान की आराधना करो। वे बहुत अधिक देने वाले, सारे मनोरथ को पूर्ण करने में सक्षम है, बहुत अधिक देने वाले और सबके हितैषी हैं, और उन्हीं का तो भक्ति करो, उनकी उपासना करो। सविधास्यति ते कामा, वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। हरिर दीनानुकंपन, वे दीन दुखी पर अनुकंपा करते हैं, और अमोघा भगवत भक्ति नेत्रेति मतिर्मम। और कश्यप जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अमोघा भगवत भक्ति, भगवान के भक्ति अमोघा, ये कभी निष्फल नहीं जाती। एक बात कर न इतरा, जो दूसरे की भक्ति है तो उसमें यह सिद्धांत लागू नहीं होता। अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अमोघ है, अमोघ का अर्थ है कि निष्फल नहीं जाती है। और न इतरा, दूसरे की भक्ति है तो वह अमोघ नहीं है। कुछ लोग भगवान